तो गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 20 क्वेश्चंस जो आने वाली सभी JEE एग्ज़ाम्स के लिए सूटेबल होंगे। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो मैं आपको दोनों में पढ़ के बताऊँगा। एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में ही करूँगा, लेकिन आंसर जो है हम वो मतलब कंफर्टेबली इंग्लिश में ही है थोड़े, लेकिन पढ़ेंगे हम दोनों में ही, समझ में भी हिंदी में ही लेंगे अपन। तो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाइपिंग इन सॉइल ऑकर्स व्हेन। सॉइल में पाइपिंग कब होती है, मृदा में पाइपिंग कब होती है, जब। ऑप्शंस है सॉइल इज़ हाईली स्ट्रेटिफाइड, सॉइल इज़ हाईली पोरस, इफेक्टिव प्रेशर बिकम जीरो एंड द सडन चेंज इन परमेबिलिटी। तो पाइपिंग, पाइपिंग मीन्स वॉट, इट इज़ नथिंग बट पाइपिंग मीन्स इट्स वी कैन से दैट इट इज़ अ क्विक सैंड कंडीशन। तो ये क्विक सैंड कंडीशन है, और क्विक सैंड कंडीशन के लिए, क्विक सैंड कंडीशन के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि क्विक सैंड कंडीशन के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस या इफेक्टिव प्रेशर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रभावी तनाव जिसको बोलते हैं, वो ज़ीरो हो जाता है। तो व्हाट इज़ इफेक्टिव प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर या इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब जो टोटल स्ट्रेस है उसमें से अपन पोर वाटर प्रेशर को माइनस करते हैं, दैट वन वी कॉल्ड एज अ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज़ द इफेक्टिव प्रेशर बिकम जीरो, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना RCC से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर अ सिंगली रिन्फोर्स बैलेंस सेक्शन, फॉर अ सिंगली रिन्फोर्स बैलेंस सेक्शन, एक अकल प्रलंबित संतुलित काट के लिए MU, दैट इज़ MU लिमिटिंग, जिसको बोलते हैं अपन MU मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये दी गई है RU लिमिटिंग इंटू BD स्क्वायर फॉर M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। तो इसमें पूछा यह गया है कि RU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है। तो हमें यह पता है कि जब भी अपन MU लिमिटिंग लिखते हैं, अगर डायरेक्टली ये फार्मूला है तो तीन फार्मूले अपन को डायरेक्टली याद रखने हैं MU लिमिटिंग के लिए। MU लिमिटिंग दैट इज़ नथिंग बट जिसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये जनरली आता है अपने बैलेंस सेक्शन के लिए। किसके लिए आता है, बैलेंस सेक्शन, जो अपने तीन सेक्शन होते हैं बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, उनमें से ये आता है बैलेंस सेक्शन के लिए। तो MU लिमिटिंग की तीन वैल्यू है और वो डायरेक्टली रेफर करती है Fe250, Fe415 और Fe500 के लिए, और फॉर्मेट एक ही है सब में, FCK BD स्क्वायर। ये फॉर्मेट अपने को ध्यान में ही रखना है। सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे बदलती रहेगी जो कि ये, जो Fe250 के लिए अपन कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है 0.148 रहती है, Fe415 के लिए अपन कह सकते हैं कि ये वैल्यू 0.138 FCK BD स्क्वायर रहती है, और अगर Fe500 का अपने को पूछा जाए तो इसके लिए वैल्यू रहती है 0.133 FCK BD स्क्वायर, हाँ 0.138 FCK BD 138 और 0.133 FCK BD। तो अपने को यहाँ पूछा गया है कि Fe415 और M20, दैट इज़ इस क्वेश्चन में FCK की वैल्यू अपने को दी गई है, दैट इज़ 20। वी ऑल नो FCK की वैल्यू दी गई है, मतलब अपने को पूछा गया है कि ये टोटल वैल्यू मिला के, Fe415 के लिए अगर पूछा जाए तो ये टोटल वैल्यू मिला के, दैट इज़ 0.138 इंटू 20, ये मिला के अपने पास आंसर कैसे आएगा, क्योंकि BD स्क्वायर तो इसमें वैल्यू कॉमन ही है। तो आंसर इनमें से कौन सा आएगा, दैट इज़ नथिंग बट 1.38 इंटू 2, यही अपने को चाहिए होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आंसर है, अगर ढूंढे अपन तो ये आंसर आएगा 2.76, यानी कि इसमें भी आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ 2.761। ये तीन फार्मूले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान में रखने हैं, और ये अपने को यूज़ भी होने वाले हैं। ये तीन फार्मूले बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भी फार्मूले इसमें हमेशा मतलब अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और FCA की वैल्यू M20, और ये बदलता है FE के ग्रेड से, Fe250, Fe450 और Fe500 के ग्रेड के हिसाब से, ठीक है। ये तो अपना होगा दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को पूछा गया है, इसको अपन ध्यान में अगर दे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है
आर्च का टॉपिक से, दैट इज रिलेटेड टू आर्च। अगर हिंदी में अपन पढ़े तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 20 मीटर विस्तारित की समलिमित परावलाकार, परावलाकार मीन्स पैराबोलिक मेहराब, मेहराब मतलब यानी कि आर्च। अब उसमें दिया यह गया है कि एक 20 मीटर का आर्च है अपने को, दिया यही है कि एक 20 मीटर का आर्च अपने को दिया गया है, और उस 20 मीटर के आर्च में, ये 20 मीटर समझ लो एक आर्च है और ये एक पैराबोलिक आर्च है, तो अपन ने पैराबोलिक आर्च निकाल लिया, और उसकी लंबाई दी गई है अपने को 20 मीटर की, और उसकी हाइट दी गई है अपने को 5 मीटर की। ये दिया हुआ है 20 मीटर की लंबाई और 5 मीटर की ऊंचाई, और जिसकी ऊंचाई है और स्प्रिंगिंग पर लटका हुआ है, यहाँ पर वो लटका हुआ है, समझ लो स्प्रिंगिंग पर लटका हुआ है, मतलब यहाँ पे तो सीधी बात है हिंज होने ही होने हैं। हाँ, स्प्रिंगिंग पर लटका हुआ है मतलब ये एक थ्री हिंज आर्च है, ये तो अपने को समझ में आ गया, पैराबोलिक है। अब उस पर क्या किया हुआ, उस पर दिया गया है कि यह 2 टन प्रति मीटर के समरूप से वितरण भार का समर्थन करता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर का इस पे एक UDL लगा हुआ है, तो अपने को निकालना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन टर्म्स एट ईच ऑफ द स्प्रिंग। मतलब ये जो यहाँ पे स्प्रिंग अपने को दी गया है इसमें आने वाला हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू अपने को निकालनी है। मतलब पूछा गया है प्रत्येक स्प्रिंग पर क्षैतिज जोर कितना होगा, तो सीधी बात है ये कंडीशन तो अपने को, वैसे अपन इसको लंबे स्टेप से भी निकाल सकते हैं, कैसे, अपने को पता है कि हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन रहती है, तो अपन इन 2 रिएक्शन को रिजॉल्व कर लेंगे, इसको बोलेंगे कि भाई ये एक आर ए है और ये एक एच ए, अगर अपन इसको ए और इसको बी सपोर्ट कंसिडर कर लेंगे, और निकाल ये सकते हैं अपन कि डायरेक्टली अपन लेंगे कि भाई मूवमेंट एट बी को अपन ज़ीरो करेंगे, मूवमेंट एट बी को ज़ीरो करेंगे तो अपने को यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, और उस आर ए के बाद अपन सी पे मूवमेंट ज़ीरो करेंगे, क्यों मूवमेंट ज़ीरो करेंगे, भाई यहाँ पे इंटरनल हिंज है, तो यहाँ पे इस साइड की मूवमेंट, लेफ्ट साइड की मूवमेंट को अपन ज़ीरो करेंगे, और यहाँ से फिर जो आर ए की वैल्यू मिलेगी उससे एच ए में निकाल लेंगे। लेकिन इतने लॉन्ग टर्म में जाने के अलावा एक कंडीशन अपने को याद रखनी है कि जब भी एक अपने को थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च जब भी दिया होगा और उस पे कंडीशन होनी चाहिए कि उस पे लगा हो UDL, क्या जब भी 3 इंच पैराबोलिक आर्च अपने को दिया होगा उस पे लगा होगा UDL, तो अपने को सीधा साधा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए फॉर्मूला लगाना है WL² / 8 और H, ये स्मॉल एच है, इसको हम कैपिटल एच, दैट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। सो इसमें W क्या है, W मतलब ये भार या जो ये लोड जो अपने को दिया गया है दैट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर में लेंगे, पर मीटर वाला होता है। लेंथ मतलब ये L जो अपने को दिया गया है, 20 मीटर का विस्तार है तो इसका भी अपन स्क्वायर कर लेंगे डिवाइड बाई 8, और ये स्मॉलेस्ट क्या हो गया, ये इसकी होगी हाइट या ऊंचाई जो अपन कह सकते हैं अपने को 5 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो इससे अपन आंसर निकाल दें, इसको अपन रिजॉल्व कर देते हैं, 20 अपन ने कर लिया। अब ये हो गया 4 से ये कट गया, ये 8 यहाँ से चला गया, तो आंसर कितना हो जाए अपना 20, मतलब यहाँ पे भी आंसर क्या हो गया अपना सी, यहाँ पे भी अपना क्या आंसर हो गया सी, दैट इज अपने वो, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ये एच, दिस एच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी कि जब भी 3 इंच पैराबोलिक आर्च में ये कंडीशन अपने को नज़र आए, जब भी 3 इंच पैराबोलिक आर्च में अगर अपने को यह कंडीशन नज़र आए कि 3 इंच पैराबोलिक आर्च में एक UDL है, तो तब हम इस केस में H का फॉर्मूला जो लगाएंगे वो यही लगाएंगे, दैट इज़ H इज इक्वल टू WL² / 8H, और इसमें W अपने को पता है कि जो लोड अपने को दिया गया है जो कि किलो न्यूटन पर मीटर में होगा, न्यूटन पर मीटर में होगा या टन पर मीटर में होगा, जिसमें भी होगा उस हिसाब से हम उसको लेंगे, लेंथ अपने को दी गई है, हाइट एच जो है उसकी ऊंचाई वो अपन कंसिडर कर लेंगे, मतलब सीधा ऑब्जेक्टिव में अपन यही फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना एक क्वेश्चन, अब अपन उससे आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये अपन जानने की पूरी कोशिश अभी करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन रिलेटेड है अपने को एक्चुअल, इसमें रिलेशन क्या है, देखो पूछा गया कि द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन,
अंडर इन्फो सेक्शन की एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ रहती है, मतलब पूछा गया है कि निम्न प्रलंबित काट की वास्तविक तटस्थ अक्षय है। अब या तो तीन सेक्शन अपने को पता है, एक बैलेंस सेक्शन होता है, अंडर इन्फो सेक्शन होता है और एक ओवर इन्फो सेक्शन होता है। तो जब भी तीनों सेक्शन में अगर अपने को बताना हो, दो सेक्शन अगर मैं दिखाऊँ कि भाई ये है अंडर इन्फोर्स सेक्शन, इसको बोल लो तुम अंडर इन्फोर्स, और भाई ये है ओवर इन्फोर्स सेक्शन, हाँ ये समझ लो कि ये है ओवर इन्फोर्स का सेक्शन, ठीक है। ये दो सेक्शन अपने को पता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से ये क्या पास हो रही है, क्या पास हो रही है, हाँ अपने को देखना ये है कि कहाँ से क्या पास हो रही है। अगर डेप्थ मैं समझ ये कह लूँ कि ये डेप्थ जो है, ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये जो डेप्थ है ये है एक्सयू मैक्सिमम। क्या एक्सयू मैक्सिमम अपने को क्या इंडिकेट करता है, एक्सयू मैक्सिमम इज इंडिकेटेड दैट इज़ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये मैक्सिमम डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की, समझ लो। अब अंडर इन्फोर्स सेक्शन में होता क्या है, उसका नाम ही अंडर इन्फोर्स है, मतलब उसमें न्यूट्रल एक्सिस अपना जहाँ भी होगा कहाँ होगा, वो एक्सयू मैक्सिमम से उसकी वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी। जब भी उसका न्यूट्रल एक्सिस आएगा वो एक्सयू मैक्सिमम से कम ही वैल्यू पर रहेगा। ये हो गया अपना अंडर इन्फोर्स सेक्शन। ओवर इन्फोर्स सेक्शन में क्या होगा, ओवर इन्फोर्स सेक्शन में जब भी अपने को ये दिखाई देगा, उसमें ओवर इन्फोर्स सेक्शन में ये समझ लो कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से न्यूट्रल एक्सिस की जो वैल्यू रहती है फॉर ओवर इन्फोर्स सेक्शन, ये हमेशा ज़्यादा ही रहती है। तो ऑप्शन अगर पढ़े तो अपन क्या नज़र आ रहा है कि एक्चुअल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अंडर इन्फोर्स सेक्शन क्या है। बोला है ऑन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या, जहाँ पे डेप्थ मैक्सिमम है न्यूट्रल एक्सिस की। बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन का मतलब ये जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन है कब आएगा, बैलेंस सेक्शन के लिए, तो उससे नीचे है बिलो या अबव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो सीधी सी बात है अपने को समझ में आ रहा है कि क्या इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर रहेगी हमेशा वैल्यू जब भी अपन क्या करेंगे, जब भी अपन इसमें ये आएंगे, जब भी अपन अंडर इन्फोर्स सेक्शन की बात करेंगे वो हमेशा ऊपर रहेगी। मतलब क्या होगा कि क्रांतिक तटस्थ अक्ष के ऊपर, क्रांतिक तटस्थ अक्ष मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगी वो। और ओवर इन्फोर्स सेक्शन के लिए पूछा जाए तो क्या कहेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से हमेशा नीचे पकड़ेंगे अपन। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से रिलेट करता है। क्वेश्चन ये है कि टू सर्कुलर फुटिंग्स ऑफ डायमीटर D1 एंड D2 आर रेस्टिंग ऑन द सेम प्योरली कोहेसिव सॉल। अब इसमें अंडरलाइन करने की बात क्या है कि दो सर्कुलर फुटिंग है और दूसरा दोनों के दोनों रेस्ट हो रहे हैं सरफेस पर, और वो भी किसके सरफेस पर, तो प्योरली कोहेसिव सॉइल के सरफेस पर, और रेशियो ऑफ देयर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पूछा है। पहले तो ये समझ लो कि अपने को सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट होता है टर्जाकी का फॉर्मूला, टर्जाकीज बेयरिंग कैपेसिटी फार्मूला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो टर्जाकी का बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला भाई क्या कहता है, अगर अपने को समझना है कि टर्जाकी का बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला कहता क्या है, वॉट टर्जाकीज बेयरिंग कैपेसिटी फार्मूला सेज। टर्जाकीज बेयरिंग कैपेसिटी फार्मूला क्या कहता है कि CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 B गामा N गामा, ये किसके लिए है, ये है स्ट्रिप फुटिंग के लिए फार्मूला। अगर यही फार्मूला को अपन सर्कुलर फुटिंग के लिए करें तो क्या होगा, ये CNC। अब ये QNQ का ये क्यों क्या है, समझ लो ये है गामा इंटू DF, समझ लो ये है गामा इंटू DF इंटू NQ प्लस 0.3 B गामा N गामा, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया सर्कुलर के लिए, दिस इज द सर्कुलर। और उसमें भी इस सर्कुलर फुटिंग में इससे आगे क्या लगेगा, 1.3 CNC, ये और सबसे वैल्यू है जो उसमें लगेगी 1.3 CNC। तो अगर उसमें 1.3 CNC आ गया, तो पहले तो अपने को कोहेसिव सॉइल पूछा गया है, प्योरली कोहेसिव सॉइल मतलब
प्योरली कोहेजिव सॉइल अगर रहेगी तो अपने को पता है कि प्योरली कोहेजिव सॉइल में फैक्टर्स कौन कौन से क्या क्या रहते हैं। अभी तर्जा की के केस में जब भी प्योरली कोहेजिव सॉइल होगी मतलब फाइव इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, और फाइव इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये एन सी एन क्यू और एन गामा जो अपन ने दी है इसमें से एन गामा क्या हो जाएगा रे 0, एन क्यू क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और एन सी की वैल्यू अपन क्या लेंगे तो ये लेंगे अपन 5.7, यही लेंगे अपन एन सी की वैल्यू। तो ये तो हो गया अपना टर्जाकी के लिए, अपने को समझ में आ गया। दूसरी बात क्या है, अभी देखो इसमें की कौन कौन से टर्म अब कटेगी, अब अपने को ये टर्म से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात इसमें पूछी गई है कि फुटिंग सरफेस पर है, सरफेस पर है मतलब क्या है कि ये जो डी एफ अपन ने लिखा है ये है डेप्थ ऑफ फुटिंग, दैट इज अगर अपन समझे तो ये हो गया वो फुटिंग, ये है समझ लो ग्राउंड लेवल जो अपन ने दिखाया है, और ये हो गया उसका डेप्थ दैट इज डी एफ। तो समझ लो कि ये जो डी एफ है सरफेस पे होने के कारण ये टर्म का भी हो गया पतन, मतलब बचा कौन सा अपने पास, अभी बचा कौन सा अपने पास, तो बचा अपने पास Q इज इक्वल टू 1.3 सी एन सी, और उसमें भी अपन ने अगर एन सी को ले लिया तो एन सी की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे तो दैट इज 5.7 पुट करेंगे। तो अगर ये समझ लो 5.7 अपन ने पुट कर लिया, ठीक है, अपने को चाहिए बेयरिंग कैपेसिटी, रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी यही पूछा गया, और बेयरिंग कैपेसिटी का हमेशा जो अपने पास जो भी ये रहता है वो हमेशा रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो समझ लो दैट इज़ नथिंग बट अ स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट रहता है उसको। तो अगर स्ट्रेस का यूनिट रहता है तो इस टर्म में समझो क्या इस टर्म में हमें कहीं भी कहीं पे भी डायमीटर दिखाई दे रही है, ये जो अपन को डायमीटर D1 D2 दिख रखी है कहीं पे भी अपन को ये डायमीटर दिखाई दे रही है इसमें, तो नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि अपन दोनों फुटिंग का अगर रेशियो ले ले, हाँ दोनों फुटिंग का अगर रेशियो ले ले अपन भाई कैपेसिटी का Q1 बाई Q2 तो कितना आएगा 1.0, क्योंकि यहाँ पे 1.3 और 5.7 ये दोनों टर्म्स कॉमन है और कोहेजन भी सेम ही है, सेम प्योरली कोहेजन सॉइल है। मगर यानी कि इसमें पूछा गया था यही कि अंतः वचन सकल अंतिम वहन क्षमता का अनुपात कितना रहेगा, तो सीधी बात है इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी दैट इज 1.0। समझ आ गई है, चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन ये है कि एक राउंड बार दिया गया है अपने को, कौन सा बार दिया गया है, ये क्वेश्चन आएगा सॉम में, जो अपन आगे का क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे दैट इज रिलेटेड टू सॉम। सॉम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन ये है कि एक राउंड सर्कुलर बार है 3 मीटर लंबाई है और 5 सेंटीमीटर की उसकी डाया है, और लिखा गया है कि दोनों सिरों पर कब्जे से समर्थित है, मतलब क्या वो जो कि बार है वो हिंज है दोनों एंड पे, और उसे एक स्ट्रट के रूप में अपन यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रट मतलब होता है कॉलम के रूप में अपन उसको यूज़ कर रहे हैं। अब उसमें ई दिया हुआ है कितना है भाई 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पूछा है क्रिपलिंग लोड, तो ये यानी कि सवाल अपने को पूछा गया है इलूर्स क्रिपलिंग, जो यूलर्स का अपने को क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला है उससे अपने को ये सवाल पूछा गया है, अपने को कोई पूछा गया है लोड पूछा गया है, ये लोड अपने को पूछा गया है। यूलर्स क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला अपने को पता है दैट इज पाई स्क्वायर ई आर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, राइट, ये अपने को पूरी तरह फॉर्मूला पता है। अभी अपने को निकालना क्या क्या है, देखो इसमें अभी देखो इसमें एक सॉलिड बार दिया गया है अपने को, अपने को पूछा तो गया है, मैंने पहले ही कहा कि अपने को पूछा है सिर्फ लोड, बाकी अपने को कुछ भी नहीं पूछा है।
फॉर्मूला तो यही रहता है, दैट इज़ पाई स्क्वायर ई है बाय एल स्क्वायर, यही अपना फॉर्मूला है, उसमें दोनों केसेस में यही फॉर्मूला लगे है। तो अगर फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में अगर अपन देखें, अपने को निकालना था क्रिपलिंग लोड, अपन ने क्रिपलिंग लोड ले भी लेंगे अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझो ये बात, इसमें यही बात अपने को समझनी है। बात ये है कि इस केस में जो अपन लेंथ लेंगे, ये लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ जो अपन लेंगे, और हिंज के केस में जो भी इफेक्टिव लेंथ रहती है वो लेंथ उतनी ही रहती है जितनी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, ये अपने को समझ गए। तो अपन आंसर भी कैसे निकालेंगे, अभी आय मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अपने को पता है कि सर्कुलर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, पाई बाय 64 इंटू डी रेस टू पावर 4, यही रहता है सर्कुलर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। अब देखो यूनिट का कन्वर्जन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जगह पे आप एमएम दिया हुआ है, एक जगह पे मीटर दिया हुआ है, एक जगह पे सेंटीमीटर दिया हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर अपन ने वैल्यू पुट भी की तो अपने को पता है दैट इज़ पाई स्क्वायर, दिस इज़ ई आई, ई दिया गया है 2 × 10⁵। अगर अपन सभी यूनिट को एमएम में कंसिडर करें तो अपन लिखेंगे आई दैट इज़ पाई बाय 64। अब डी रेस टू पावर 5 मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब कितना एम एम, 50 mm, तो 50⁴ डिवाइडेड बाय इस एल स्क्वायर, एल कितना है रे 3 मीटर, 3 मतलब क्या होगा 3000 mm का स्क्वायर हो गया। अगर अपने वो इसको सॉल्व करने का है, वी हैव टू सॉल्व दिस। अब इसमें सॉल्व करने का एक ट्रिक और एक समझने की बात ऐसी है कि इसमें ऑप्शंस देखो, इसमें ऑप्शंस तुम्हें ज़रा दूर दूर नज़र आएंगे, तो इसको अपन सॉल्व भी वैसे ही उसी तरह से करेंगे। सॉल्व में क्या किया है, इसमें पाई स्क्वायर दिया है, 2 × 10⁵ दिया गया है, पाई बाई 64 दिया हुआ है, और इसमें एक दिया है 50⁴ × 10⁴, राइट। और ये अगर देखा जाए तो ये कितना होगा 3² × 10⁻³ का स्क्वायर कितना होगा 10⁶, बराबर। तो अपन अगर इसको कंसिडर करेंगे अपने को समझ में आएगा कि ये 5, और अगर ये पाई स्क्वायर देखो, पाई को अगर अपन समझे कि ये 3 अपन समझेंगे अगर पाई को, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पाई की स्क्वायर की वैल्यू 10 के आसपास ही आती है, ये समझ लो। तो ये 10 भी अपन उसके साथ लेंगे और इस 10 को पूरी तरह हटा देंगे। अब बचा अपने पास क्या, बचा ये पाई बाय 64, ये 5 रेस टू, ये 2 रेस टू 5, और ये 2, और इस 2 को भी अपन ने यहाँ से काट लिया तो ये हो जाएगा 32, राइट। ये बात अपने को समझ में आ गई। अब 32 के बाद देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हम कर ये रहते कि इसमें अभी बचा हुआ है अपने पास पाए बाय 32 × 5⁴, 10⁴ डिवाइडेड बाय 3² ये अपने पास बचा हुआ है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा इस 3 को अपन ने इस 3 के साथ कैंसिल भी कर दिया तो अभी अपने पास एक 3 बच गया। अब 5 रेस टू पावर 4 और 32 × 3 इसका डिवाइडेशन अपने को पूरी तरह से करना है। तो 5 रेस टू पावर 4 मतलब 5 का क्यूब कितना होता है सबको पता है, 125। × 5 डिवाइड बाय 32 × 3 और 10⁴। तो अभी इसमें देखा अगर जाए तो इसको अपन कंसिडर कर लेते हैं कि ये 96 है, राइट, दिस इज 96। अगर अपन ने किलो न्यूटन में इसको कन्वर्ट कर लिया तो सीधी बात है कि ये आएगा अपने पास, एक 10 बचेगा सिर्फ, 10�³, तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपने को वैल्यू किलो न्यूटन में चाहिए, ठीक है। तो अगर अपन कंसिडर करें कि भाई ये 100 है, कंसिडर कर लेता हूँ मैं कि ये 100 है,
तो ये 10 मैं इस 10 से कैंसिल कर दूंगा, ये 5 को मैं यहाँ से 2 कर दूंगा, और ये 2 को मैं इससे अभी डिवाइड करूंगा कि ये कितना आता है। तो ये पता है ज़्यादा से ज़्यादा ये आएगा, अगर मैंने इसको 2 से ये किया तो 62.5 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये आंसर मैच होता है अपने को, अगर क्योंकि ऑप्शंस पूरी तरह से यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, ये अपन इजीली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का कैलकुलेशन करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो वही अपन ने किया, अपन ने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का कैलकुलेशन किया और आंसर अपने को जो समझ में आया इस केस में वो ये समझ में आया कि ये आंसर जो रहेगा ये रहेगा 67.28, यानी कि बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अभी आगे चलते हैं, आगे ये है अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, वो क्वेश्चन ये कहता है, ये क्वेश्चन भी जो है एक सीधा साधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कहता है, अगर हिंदी में अपन इसे पढ़े कि किसी क्रमशः लगाए भार के प्रतिबल से अचानक लगाए गए भार के प्रतिबल के संदर्भ में प्रतिबल तीव्रता का अनुपात है, मतलब द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ सडनली अप्लाइड लोड। जगह है कि सडनली अप्लाइड अगर लोड रहा और एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड रहा और इनके स्ट्रेस इंटेंसिटी का अगर अपन ने रेशियो निकाला, तो सीधी बात है हमेशा ध्यान में रखना कि सडनली अप्लाइड लोड डिवाइड बाय ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, इनके स्ट्रेस इंटेंसिटी का जो रेशियो रहता है वो रहता है 2, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन सी नंबर का आंसर जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। राइट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सीधा ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है, अगर इसको अपन ने देखे तो क्वेश्चन ये है कि किसी विशेष पदार्थ में दृढ़ता गुणांक आयतन गुणांक के बराबर हो तो पॉइजन्स अनुपात कितना होगा। मतलब पॉइजन्स रेशो पूछा है आपने को, कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस, देन द पॉइजन्स रेशो विल बी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस जो अपन लेते हैं, बल्क मॉडुलस यानी कि के और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल रहे जी, ये दोनों की जो वैल्यू है, ये दोनों की अगर वैल्यू बराबर हुई तो क्या होगा। अभी अपने को दो फॉर्मूले बेसिक पता है कि ई दैट इज यंग्स मॉडुलस होता है ट्वाइस जी, अगर अपन लिया तो 2 × g × 1 + μ। अभी ये म्यू क्या है रे भाई, तो म्यू पॉइजन्स रेशियो है। दूसरा अपने को पता है कि उसके केस में थ्राइस के इंटू 1 − 2 μ, ये भी एक रेशियो होता है। ये दोनों अगर इन्हीं दोनों को अपन ने कंपेयर किया तो अपने को इस बल्क मॉडुलस का आंसर मिल जाएगा। अगर इन्हीं दो को अपन ने कंपेयर किया तो कंपेयर करते हैं इन्हीं दोनों को, तो कंपैरिजन में ही इसका आंसर अपने को पता चल जाएगा, क्योंकि अपने को पूछा गया है रेशो, किसका किसका रेशो, पॉइजन नहीं, अपने को पूछा गया है सिर्फ पॉइजन रेशो। तो ये है ट्वाइस जी, ये हो गया 1 + μ, और ये हो गया थ्राइस के इंटू 1 − 2 μ। अगर इन दोनों टर्म्स को अपन एक में कर ले, क्योंकि अपने को पता है कि के की वैल्यू जी के बराबर है, तो अपन इसको ट्वाइस के कर देंगे, प्लस 2 kμ इज इक्वल टू थ्राइस के इंटू 6 kμ, ये हो जाएगा, समझ आ गई। अब यहाँ से अपन k को पूरा कैंसिल कर देंगे क्योंकि k कॉमन है इसमें, तो हो जाएगा 2 + 2μ इज इक्वल टू 3 − 6μ। राइट, अगर अपन ने इसको यहाँ पे लेके गए तो ये हो जाएगा 8μ इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3 − 2 कितना होगा 1, और ये 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, मतलब यानी कि म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/8, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1/8। समझ में आ गया। अब चलते हैं और आगे के क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन जो अपने को पूछा गया है वो सीधा सिंपल सा सवाल है और सीधा सिंपल सा ही जवाब है, जो कि पूरा सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है। और सवाल ये कहता है, किसी प्रोजेक्ट में पूरे समय का विवरण
समग्र रूप से होता है, मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फॉर द प्रोजेक्ट एज अ होल विल बी क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम किसके लिए, तो फॉर अ प्रोजेक्ट और उसके लिए भी एज अ होल। प्रोजेक्ट को अगर एज अ होल पकड़ लिया तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है या बेटा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी कि किसी भी प्रोजेक्ट को अपन ने एज अ होल अगर कंसिडर किया तो उसमें रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि उसमें हमेशा रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सामान्य वितरण। समझ आ गया, चलते आगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे का क्वेश्चन भी जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा यह गया है कि जाली वाले स्तंभ में घटक स्तंभ का पतलापन अनुपात निम्न में सीमित है। मतलब क्या कि द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कंपाउंड कॉलम इन अ लेस्ड कॉलम। मतलब क्या पूछा गया है कि अगर कोई कॉलम अपन ने लिया और उसमें अपन ने लेसिंग प्रोवाइड की है, तो ये जो लेस्ड कॉलम बना है पूरी तरह, ये जो लेस्ड कॉलम अपना बन के आया, इस लेस्ड कॉलम में उसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, यही अपन को पूछा गया है। स्लेंडरनेस रेशियो पूछा गया है, तो स्लेंडरनेस रेशियो का ये फॉर्मूले का आंसर जो रहता है हमेशा ध्यान में रखने का कि किसी भी अगर कॉलम में लेस्ड कॉलम है तो उसमें स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू रहती है 145। ये हमेशा ध्यान में रखना का कि लेसिंग के केस में स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू रहती है 145। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, चलते आगे। उसमें भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया अभी, और ये क्वेश्चन है बिल्डिंग मटेरियल का। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन सीधा साधा है, और क्वेश्चन ये कहता है हमें कि भाई एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, उस हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ले, एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जनरली रिक्वायर्स, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में जनरली क्या होता है, क्या होता है, यानी कि एक उच्च शक्ति कंक्रीट में सामान्यतः किसकी आवश्यकता है, रेत बढ़ाने वाले कारक की, पानी बढ़ाने वाले कारक की, रेत कम करने वाले कारक की, या पानी कम करने वाले। तो सीधी बात है, ये रेत वाले जो ऑप्शन है ये अपन ने एलिमिनेट अगर कर दिया तो बचेगी सिर्फ पानी वाला ऑप्शन। और अपने को पता है कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के, तो मतलब सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा है इसमें, वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो के भी केस में वाटर इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, स्ट्रेंथ में कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा। तो एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ करने के लिए अपन, अगर हमने कहीं पढ़ा होगा या तो मैं बता दूं कि जब भी हम ऐसा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ करते हैं तो तीन रिक्वायरमेंट अपने को सबसे ज़्यादा पता ही है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और ये वाटर, ये चार रिक्वायरमेंट अपने को पता ही है। लेकिन जब भी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज़ किया जाता है उसमें एडमिक्सचर्स का भी यूज़ किया जाता है। हाँ, और एडमिक्सचर्स जो रहते हैं जनरली यूज़ किए जाते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स, यानी कि सुपर प्लास्टिसाइजर और प्लास्टिसाइजर। तो और दूसरी बात अगर ये समझा जाए तो जैसे अपन वाटर सीमेंट रेशियो कम कम करते जाएंगे, कंक्रीट की फ्लोएबिलिटी कम होती जाएगी, यानी कि वर्कएबिलिटी, और इसके केस में अगर कहा जाए तो वर्कएबिलिटी के केस में अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, वाटर सीमेंट रेशियो को अपन अगर इंक्रीज़ करेंगे तो वर्कएबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो का अपन अगर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ कम होगी। ये सीधी बात है। तो इस केस में अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बढ़ाना है तो अपने को वाटर रिड्यूसिंग एजेंट का वापर करना पड़ेगा, ना कि अपन ऐसा एजेंट यूज़ करेंगे जो कि वाटर क्या है, जो कि वाटर बढ़ाने के काम आता है, यानी कि अपन यूज़ करेंगे वाटर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी पानी कम करने वाला कारक अपन यूज़ करेंगे, जो उनके आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया, बस यही छोटा सा कंसेप्ट है इसमें, ज़्यादा कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बाकी छोटा सा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आंसर है। अब आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन अपन अगर देखेंगे तो वो क्वेश्चन है हाईवे से रिलेटेड। क्वेश्चन में पूछा है, सादी सिंपल टर्म अपन जनरली यूज करते हैं वो पूछी गई है, दैट इज़ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और उसमें भी उसने क्या पूछा है भाई,
पूछा गया है कि 10.5 मीटर वृत्त का रोड है और उसकी आर रेडियस है, 10.5 मीटर की चौड़ी ये है रोड है और आर रेडियस है, तो उसकी यांत्रिक अतिरिक्त चौड़ाई क्या होगी। मतलब दो चीज़ें अपने को हमेशा याद रखनी होती है कि वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग में कौन सी दो चीज़ें आती है, एक आती है मैकेनिकल वाइडनिंग और दूसरी आती है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। अपने से पूछी गई है सिर्फ मैकेनिकल वाइडनिंग, और मैकेनिकल वाइडनिंग का अपने को फॉर्मूला हमेशा ही याद है, दैट इज़ NL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, याद है अपने को। यहाँ पे L भी दिया हुआ है, L क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस इन मीटर, यानी कि गाड़ी के पहिया आधार की लंबाई, ये तो हो गया L, R अपने को पता है रेडियस। अब ये N क्या है, ये N होता है हमेशा नंबर ऑफ लेंस, क्या होता है नंबर ऑफ लेंस, ये हमेशा याद रखना कि N होता है हमेशा नंबर ऑफ लेंस। और ये 10.5 मीटर का रोड है, मतलब ये एक मल्टी लेन रोड है, और अगर ये एक मल्टी लेन रोड है तो हमें ये पता है कि जनरली मल्टी लेन रोड में अपन 3.5 मीटर का रोड एक लेन कंसिडर करते हैं, 3.5 मीटर का, यानी अगर 3.5 मीटर को अपन 3 बार अगर ऐड कर दे, हाँ, तो अपने को समझ में आएगा कि ये वैल्यू जो है ही ये आएगी 10.5, मतलब कितने लेन हो गए, ये 3 लेन हो गए, मतलब यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब भी अपन मल्टी लेन रोडवे में अगर यूज करेंगे तो उसमें सिंगल लेन की वर्थ अपन 3.5 मीटर ही कंसिडर करेंगे, और जब भी अपन सिंगल लेन के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेन के लिए कंसिडर करेंगे तब अपन 3.75 मीटर का वो रोड लेंथ कंसिडर करेंगे, अगर अपन सिर्फ सिंगल लेन रोड की बात करते हैं तो, दैट इज़ फॉर ये जो रहेगा, ये जो वैल्यू अपने को दी गई है दैट इज़ फॉर मल्टी लेन, ये जो वैल्यू अपने को दी गई है ये है मल्टी लेन के लिए, इसके लिए मल्टी लेन के लिए, समझ में आ गई मैंने। तो ये भी कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है। और आगे का जो क्वेश्चन अपने को दिया गया है वो है फ्लूड मैकेनिक्स से रिलेटेड, और फ्लूड मैकेनिक्स में भी उसमें पूछा गया है बकिंगम पाय थ्योरम। पूछा ये गया है कि भाई देखो कि आयामी विशेषण में बकिंगम पाय प्रमेय का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और परिणामी समीकरण को किस रूप में व्यक्त करता है। मतलब बकिंगम पाय थ्योरम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन डायमेंशनलिटीज एंड एक्सप्रेसेस द रिजल्टिंग इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ, रिजल्टेंट इक्वेशन को अपन किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो अपने वो सबको पता है कि बकिंगम पाय थ्योरम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही शब्द का यूज़ किया जाता है, और वो सबसे ज़्यादा के 2 शब्द है रिपीटिंग वेरिएबल्स और दूसरा है नॉन डायमेंशन पैरामीटर, यानी कि डायमेंशनलेस पैरामीटर, यही शब्द का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और जब भी अपन बकिंगम पाय थ्योरम को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि जब भी अपन लेते हैं उसमें टर्म्स, जैसे अपन पाई 1, पाई 2, पाई 3, ये सब क्या हो गई, दीज आर द नॉन डायमेंशनल टर्म्स, और ये पाई 1, पाई 2, पाई 3 को एक्सप्रेस करने के लिए अपन यूज करते हैं रिपीटिंग वेरिएबल्स का। और क्वेश्चन में अपने को ये पूछा गया है कि बकिंगम पाय थ्योरम को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो बकिंगम पाय थ्योरम को मेजरली एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स में, इस पाय 1 पाय 2 टर्म्स में, यानी ये पाय 1 पाय 2 की टर्म्स क्या है, ये पाय 1 पाय 2 की टर्म्स है नॉन डायमेंशनल, ये पाय 1 पाय 2 की टर्म्स क्या है, दीज आर डायमेंशन लेस टर्म्स, डायमेंशन लेस पैरामीटर्स। और उसमें भी हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें n माइनस m डायमेंशनलेस पैरामीटर होते हैं, क्या होते हैं n माइनस m डायमेंशनल पैरामीटर। n क्या है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स अपन यूज़ कर रहे हैं, और m क्या हो गया, तो m हो गया फंडामेंटल डायमेंशंस, जो भी फंडामेंटल डायमेंशंस अपन उस इक्वेशन में यूज़ करेंगे वो हो जाएगी फंडामेंटल डायमेंशंस।
समझ में आएगा। इसको एक्सप्रेस हमेशा इसी में किया जाता है, रिजल्टिंग इक्वेशन को n माइनस m डायमेंशनल पैरामीटर्स के टर्म्स में, यानी n माइनस m आयाम रहित पैरामीटर, इसी में हमेशा बकिंग ऑफ बायथरम को एक्सप्रेस किया जाता है। अभी के लिए इतना ही समझना है अपने को, बकिंग ऑफ बायथरम में बड़ा बायथरम है वो, लेकिन अभी के लिए अपने को सिर्फ यही समझना है कि बकिंग ऑफ बायथरम में इसका ही अपने को यूज करना है। सीधी बात, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सीधा क्वेश्चन है ये, जो कि पूछा गया है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, और पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि पारंपरिक जल शोधन आयोजना में किस प्रक्रिया का सही क्रम बताओ, कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सीक्वेंस बताना है। सीक्वेंस में अपने को दिया गया है कि निसंबंधन, क्लोरीकरण, अवसादन, स्कंदन और फ्लोरो और फ्लैकुलेशन, मतलब फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फ्लैकुलेशन, एक ऑप्शन दिया इसको बिठाने का है। सीधी बात है, एक हमेशा चीज़ अपने ध्यान में रखने का कि क्लोरिनेशन जो ये प्रोसेस है, दैट इज़ अ डिसइंफेक्शन प्रोसेस, और डिसइंफेक्शन प्रोसेस हमेशा किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हमेशा आखिरी में की जाती है। यानी कि क्वेश्चन में ये समझ लेने का कि सेकंड ऑप्शन तो भाई लास्ट में ही आएगा। अब ढूंढना यह है सी एंड डी में से अपने को कि फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन आएगा, तीन आएगा या चार आएगा, यही पूछा गया है कि भाई तीन आएगा ऑप्शन या चार आएगा, यही पूछा है। तो तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, सेडिमेंटेशन, और चौथा ऑप्शन कहता है कोएगुलेशन। तो अभी इसमें देखना यह है कि भाई कोएगुलेशन पर लेते हैं सेडिमेंटेशन, तो एक चीज़ तो इसमें मन है कि भाई जब भी रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आएगा उसमें अपन रॉ वाटर ट्रीटमेंट में जो भी स्क्रीनिंग विनिंग करना है वो स्क्रीनिंग विनिंग करेंगे अपन, स्क्रीनिंग को अटैच करेंगे, स्क्रीनिंग के बाद अपन एक यूनिट जो देते हैं अपन ग्रिड चैम्बर को भी अटैच करेंगे, अपन इरिगेशन करना होगा तो अपन इरिगेशन भी इसमें करेंगे, और इरिगेशन के बाद अगर अपने को कुछ करना है तो अपन इसमें ये जो इरिगेशन है उसके बाद अपन लगाएंगे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, और उसके बाद चालू होगा अपना कोएगुलेशन प्रोसेस, उसके बाद फ्लॉकुलेशन प्रोसेस। फ्लॉकुलेशन और कोएगुलेशन ये हैंड इन हैंड चलता है, और उसके बाद फ्लॉकुलेशन के बाद आएगा अपना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसके बाद अपन करेंगे उसमें फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के बाद अपन करेंगे क्लोरीनेशन। तो बस इसी सीक्वेंस से अपने को चलना है, और कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन को साथ में लेके हुए चलना है, तो यही ऑप्शन अपने को मैच होते हुए दिखता है। कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन को अपन अगर साथ लेके चले तो ऑप्शन अपने को मैच होते हुए दिखता है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पहले करेंगे अपन कोएगुलेशन, उसके बाद में फ्लॉकुलेशन, उसके बाद में जो अपन पहले कोएगुलेशन किया उसके बाद फ्लॉकुलेशन किया, उसके बाद सेडिमेंटेशन किया, सेडिमेंटेशन किया, उसके बाद फिल्ट्रेशन किया, और उसके बाद क्लोरीनेशन किया, यही वो सीक्वेंस है जो फॉलो करता है। आगे बात समझ में, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक अपन कह सकते हैं इसको वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कैनल से क्वेश्चन पूछा गया, लाइनिंग ऑफ कैनल्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सीधा साधा है, पूछा गया है कि लाइनिंग अगर अपन कैनल करते हैं, मतलब किसी लहर को अपन अगर लाइनिंग करते हैं तो उसके बिहाफ में जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है वो अपने को बताना है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि नहर में रिसाव के नुकसान को कम करना आवश्यक है, लाइनिंग क्यों की जाती है, मतलब कि मिनिमाइज द सीपेज लॉस इन कैनल, कैनल में जो भी बहाव बाहर जा रहा है या कैनल का पानी कम कर रहा है, कैनल की क्वांटिटी को कम कर रहा है, कैनल के जो जो वॉल्यूम या डिस्चार्ज अपने को चाहिए वो कैनल में से उसको कम कर रहा है, तो उसे कम करने के लिए अपने को लाइनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपन को उस पानी को रिस्ट्रिक्ट करना है कैनल के बाहर जाने से, मतलब वो सीपेज जो है वो होने वाला उसको कम करना है, तो ये लाइनिंग का प्राइमरी पर्पज़ हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है वो कि भाई डिस्चार्ज इंक्रीज़ करना है अपने कैनल का, मतलब वेग बढ़ा कर, कैसे डिस्चार्ज इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर, मतलब वेग बढ़ाकर खंड में अवहरण को बढ़ाना है, तो मतलब वेग को बढ़ाते हुए अपने को डिस्चार्ज को बढ़ाना है, ये भी अपना प्राइमरी पर्पज़ है कैनल के लिए, लाइनिंग के लिए। लाइनिंग से क्या होगा,
कि लाइनिंग से अपन उसमें होने वाला जो डिस्चार्ज है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। मतलब लाइनिंग अगर अपन ने कैनल को किया, लाइनिंग अगर अपन ने कैनल को किया तो अपन सीपेज भी उसमें का कंट्रोल कर पाएंगे और उसमें अपन डिस्चार्ज की वैल्यू बढ़ा भी पाएंगे। मतलब ये दोनों जो ऑप्शंस है ये सही है लाइनिंग के संदर्भ में, लाइनिंग के संदर्भ में ये दोनों ऑप्शंस सही है। आगे बात समझ, आगे चलते हैं। और डिस्चार्ज को बढ़ाएगा कैसे? सीधी बात है, अगर अपन ने इस आने वाला जो वाटर है इसके अंदर इसको अपन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो सीपेज कम होगा, सीपेज कम हो जाएगा उसमें क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। और पर सेकंड के हिसाब से डिस्चार्ज क्या रहता है, मीटर क्यूब पर सेकंड में जनरली एक्सप्रेस करते हैं, तो पर सेकंड के हिसाब से जो भी वॉल्यूम अपने को मिल जाएगा उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी। हाँ, और दूसरी बात, अगर ने कैनल को अपन ने लाइनिंग किया और सीपेज को जाने नहीं दिया, मतलब ये कैनल का शेप जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें शेप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो शेप जैसा है वैसा ही रहेगा। और शेप अगर जैसा है वैसा ही रहेगा तो इसका एरिया जो है वो उतना ही रहेगा जितना अपन ने पहले लिया हुआ है। और यानी कि वेलोसिटी को बढ़ाने में अपने को पता है कि डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया, यानी डिस्चार्ज अगर बढ़ेगा एरिया उतना ही कॉन्स्टेंट है तो अपने को वेलोसिटी बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। आगे बात समझ, चलते आगे। आगे क्वेश्चन अपने को पूछा गया है कि ये भी क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अपने को नज़र आएगा इसमें ही हाईवे में। इस क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बकिंगम बीम डिफ्लेक्शन मेथड को कहाँ यूज़ किया जाता है, बकिंगम बीम मेथड को किसके लिए यूज़ किया जाता है कि या कहाँ यूज़ करते हैं या किसके डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। तो इसका सीधा साधा जवाब है और इसको मतलब बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर एक बार रट लेना होगा अपने को, आंसर सी हो जाएगा इसका, दैट इज़ फ्लेक्सिबल ओवरले और फ्लेक्सिबल पेमेंट। बकिंगम बीम डिफ्लेक्शन के केस में हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दैट इज़ द फ्लेक्सिबल ओवरले और फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल ओवरलेज ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट, यही ये बकिंगम पायथेरम का क्वेश्चन है। और जेई लेवल्स के एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बकिंगम पायथेरम को किसके डिज़ाइन में यूज करेंगे, दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट। रट लो ये चीज़, रट लो, यानी कि अगर अगर हिंदी में कहे तो नम्य कुटिम्ब, हाँ नम्य कुटिम्ब पर नम्य आवरण, यही रहती है उसका वैल्यू। रट लो ये जब आपको बकिंगम पैथरम के लिए बहुत बार पूछा जाता है जी। अब क्वेश्चन अपने को जो पूछा गया है, अभी क्वेश्चन पूछा गया है ये कि आगे क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है। और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में बताया गया क्या गया है, पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पारे के कौन से गुण का कारण वह कांच से चिपकता नहीं है, यानी कि ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मर्क्यूरी इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास, मर्क्यूरी की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें से वो ग्लास को चिपकता नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखने का, मर्क्यूरी में एक ही प्रॉपर्टी रहती है यानी कि उसमें कोहेजन ज़्यादा रहता है, दैट इज संसजन, ये सबसे ज़्यादा मर्क्यूरी में रहता है इसलिए वो चिपकता नहीं है। किससे? क्योंकि मर्क्यूरी के केस में संसजन यानी कोहेजन अगर ज़्यादा होगा तो उसके पार्टिकुलेट्स में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रहेगा और बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, उसमें ड्रॉप जो है वो ड्रॉप पूरी तरह फॉर्म होते हुए अपने को नज़र आएगा, और अगर ड्रॉप पूरी तरह फॉर्म हो गया तो वो ग्लास को चिपकेगा ही नहीं। और यही सीधा साधा आंसर इसका है, दैट इज़ अ संसजन या कोहेजन, इसी की वजह से मर्क्यूरी जो है वो ग्लास को चिपकता नहीं है। आगे बात समझ में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो इसमें है कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी और ट्रैफिक स्पीड, उस क्वेश्चन को ऊपर देखे तो ये बात अपने को समझ आएगी कि यातायात घनत्व और यातायात की गति के गुणन
को कहा जाता है? सीधा सा क्वेश्चन है कि ट्रैफिक इंटेंसिटी और ट्रैफिक स्पीड के क्या कहते हैं, तो सीधा सीधा एक पैरामीटर याद रखने का, क्यू दैट इज़ के इन टू वी, इसमें वी जो है ये ट्रैफिक की स्पीड है और के जो है ट्रैफिक की डेंसिटी, और ये टर्म जो है ये है ट्रैफिक की कैपेसिटी यानी यातायात की क्षमता। बस यही चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि जब भी के और वी का प्रोडक्ट होगा उसमें से क्यू तैयार होगा और क्यू हो जाएगा ट्रैफिक की कैपेसिटी। बस सीधी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेन टेबल सर्वेक्षण की विधि के लिए प्रयोग नहीं होता? मतलब पूछा यह गया है कि इसमें से नॉट सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सी मेथड है जो प्लेन टेबल सर्वे में यूज़ नहीं होती। तो अपने को ये बात सीधी ही पता है कि भाई तीन मेथड तो अपने को पता ही पता है, कौन सी, रेडिएशन मेथड, दूसरी मेथड इंटरसेक्शन मेथड और तीसरी मेथड अपने को पता है दैट इज़ अ ट्रैवर्सिंग मेथड। एक और मेथड रहती है दैट इज़ रीसेक्शन मेथड। ये चारों जो है वो प्लेन टेबल्स के सर्वे में यूज किए जाते हैं। तो इन तीन का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, रेडिएशन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड और इंटरसेक्शन मेथड। ये तीनों मेथड जो है ये यूज होती है प्लेन टेबल के सर्वे में। जो कौन सी यूज़ नहीं होती प्लेन टेबल के सर्वे में, वो मेथड अगर जाचे तो वो मेथड है बैक स्कैटरिंग मेथड। ये मेथड प्लेन टेबल के सर्वे में यूज़ नहीं होती। चार मेथड के नाम याद रखेंगे, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, रिसेक्शन मेथड और ट्रैवर्सिंग मेथड। ये चारों मेथड यूज़ होती है प्लेन टेबल के सर्वे में। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन ये है कि यदि रेनफॉल यानी अवक्षरण, ये है कि यदि अवक्षरण की तीव्रता मृदा के अंतसरण यानी इन्फिल्ट्रेशन ग्रहिता से अधिक है तो अतसरण दर होगी। यानी कि अगर अपन इसको इंग्लिश में देखें तो अपने को ये चीज़ समझ में आएगी कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज़ मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मतलब देखो एक सॉइल है, ये सॉइल की अंदर जाने की कैपेसिटी जो रहती है उसको बोलते हैं अपन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। यानी कि ये सॉइल के अंदर पानी का ड्रॉप जितने इंटेंसिटी से अंदर जाएगा या जितने कह सकते हो फ्रीक्वेंसी से अंदर जाएगा उसको अपन बोलेंगे उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। भाई इतनी कैपेसिटी है इसकी अंदर लेने की, ये इन्फिल्ट्रेट करने की उसकी कैपेसिटी है। और अगर ये आने वाला जो रेनफॉल है, ये यहाँ से जो भी रेनफॉल आ रहा होगा, ये बूंदे, ये जो भी इस सॉइल पर गिर रही होगी ये आने वाली बूंदे, अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कैपेसिटी, ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो भी है इससे ये रेनफॉल अगर ज़्यादा हो गया तो पूछा गया है कि इन्फिल्ट्रेशन का रेट क्या होगा। अब इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी और इन्फिल्ट्रेशन का रेट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो रेट मतलब क्या होगा कि जिस रेट से पानी अंदर जाएगा, मतलब समझ लो सेंटीमीटर पर सेकंड, हाँ मतलब 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से पानी अंदर जा रहा है। ये नॉर्मल समझ लो कि एक सॉइल में नॉर्मल एग्जांपल अपन कंसीडर करेंगे, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से पानी अंदर जा रहा है, ये हो गया उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट। और उसका मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स अगर अपने को बढ़ाना ही बढ़ाना है, समझ लो इन्फिल्ट्रेशन रेट अपने को बढ़ाना है, तो मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम रेट जो रहेगा, जो मैक्सिमम रेट रहेगा इन्फिल्ट्रेशन का, अगर वो 12 मीटर पर सेकंड है तो इसी को अपन बोलेंगे उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, मैक्सिमम रेट जो रहेगा। तो यही पूछा गया है कि अगर इस मैक्सिमम रेट से भी ज़्यादा का रेनफॉल अपने को दिखाई देगा तो इन्फिल्ट्रेशन का रेट क्या होगा। तो सीधी बात है कि इस मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ज़्यादा का रेनफॉल अगर रहेगा तो मैक्सिमम कैपेसिटी तो इतनी ही अंदर जाने की, और उसके ज़्यादा इंटेंसिटी का रेनफॉल अगर पड़ेगा तो इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट सीधी बात है कि वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर ही होगा। इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जितनी रहेगी यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो रहेगी उतने ही रेट से वो अंदर जाएगा, क्योंकि रेनफॉल तो उससे भी ज़्यादा है। और रेनफॉल कितना भी ज़्यादा रहे रेट उतना ही रहेगा जितनी उसकी इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी होगी। यानी कि ये डी नंबर का आंसर उसका आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे अपने वो 20 क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गए। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। ये तो क्वेश्चन एक मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस लिए थे अपन ने। जो भी क्वेश्चन आपको लगे किसी में डिफ़िकल्टी हो आप मुझे ज़रूर उसके भी आप मैसेज कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग।